कन्नौज जिले के तालाग्राम क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक परिवार की होली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। मोटरसाइकिल सवार दो युवक को अज्ञात वाहन ने एक्सप्रेस वे पर टक्कर मार दी और फरार हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि होली के पर्व पर दोनों चचेरे भाई दिल्ली से कानपुर की तरफ मोटरसाइकिल से अपने घर आ रहे थे, तभी थाना तालाग्राम क्षेत्र के एक्सप्रेस वे पर किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें दोनों चचेरे भाइयों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई और शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल दूसरे युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना क्या, हमारे भतीजे दो दिल्ली से घर आ रहे थे अरोल के लिए, हाईवे पे किसी अज्ञात वाहन से टकरा गए, तो उसमें हमारा एक भतीजा खत्म हो गया, एक पीजीआई ले रिफर कर दिया गया। कन्नौज से लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़ कन्नौज।